श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मणि एवाति करस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलो हेतुर्भ्यो मा ते संगो सदा कर्मणि, जिसका सार है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यू हैव टू राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। इसे कर्मयोग भी कहा जाता है, जिसे गीता के सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गीता के अनुसार किसी भी इंसान की सफल जिंदगी के लिए कर्मयोग का होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब जब हमें सुनने को मिलता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो कभी कभी ये काफ़ी अजीब लगता है कि कोई काम हम बिना फल के चिंता कैसे कर सकते हैं। आखिर हम कोई संत या सन्यासी तो नहीं है। लेकिन ये इस श्लोक को गलत ढंग से समझाना हुआ। दरअसल ये तो हमें सिर्फ सलाह देती है कि आप बस अपना काम करें, उसका काम का नतीजा क्या होगा उस पर ज़्यादा ध्यान न दें। यह हमें अपने अपने आज में जीने को कहता है। आज में जीना ही पल में जीना है। पल में जीने के मायने हैं, आप जहाँ हो, जिस हाल में हो, उसे भरपूर जियो, उस पल को पूरा मजा लो। इसका मतलब हुआ कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाओ। उसमें डूबने के मायने हैं कि आप उस पल को अपना 100% दे रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि आप काम हमेशा अपने आज कर रहे होते हो, लेकिन आपका दिमाग और मन हमेशा भविष्य में होता है। सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि जो हमने किया है या जो हमारे पास है, हम उसका सुख नहीं ले पाते और उस काम के नतीजे यानी कि भविष्य का चिंता में डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं कि नतीजा हमारे साथ में है, लेकिन फिर भी जानकर अनजान बनते हैं। इंसान अगर वर्तमान में जीना सीख ले तो उसकी बहुत सारी परेशानियों तो अपने आप ही गायब हो जाती है। आप जिस पल में जी रहे हैं वही काम का समय है, और उसमें मज़ा तब ही आएगा जब आप जुट कर अपनी इच्छा के काम कर सकते हैं, बिना चिंता किए कि उसका नतीजा आपके हक में जाएगा या नहीं, क्योंकि तब ही आप खोने या पाने का चिंता के बिना किसी भी काम को बिना प्रेशर के कर सकते हैं। यही होता है कर्म योगा। दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।